अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उन लोगों को जरूर भेज दीजिएगा जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की तैयारी करो, प्राइवेट ये करो, ये जो भी ऐसे ऐसे करते हैं उनको जरूर भेजिएगा, उनको बताइएगा। सभी को जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि क्या ही ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। सबसे पहले मैं बता दूं, एकदम जनरल वे से मैं बात करूंगा, मेरा ओपिनियन मैं लास्ट में रखूंगा, उससे पहले कोई भी मेरा पर्सनल नहीं रहेगा कि मैं किसकी तरफ हूं। मैं जनरल वे से बात करूंगा, है ना। अभी तक तो मेरी जिंदगी का करियर शुरू हुआ है, बट स्टिल जो मेरी सोच है, समझ है, जिससे मुझे समझ में आता है, क्योंकि आजकल के यूथ को कुछ ज्यादा ही समझ आता ना, तो उस हिसाब से मैं मेरे आपसे विचार व्यक्त करूंगा इस चीज को लेकर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं मेरी बात, मेरे विचार मैं आपके सामने रखता हूं। गवर्नमेंट जॉब का देखो ऐसा है, हमारे यहां पे जो कंपटीशन है इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये मान लीजिए, मैं कोई भी ऐसे नंबर ज्यादा नहीं बताऊंगा, 100% लोग जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, उनमें से 1% या आधा परसेंट भी शायद ही होता है जिनका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब में। समझ रहे हैं परसेंटेज कितना है, मतलब 100% में से 1% बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और इतना ज्यादा कंपटीशन क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा है ना कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, कि गवर्नमेंट जॉब से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है ना प्राइवेट जॉब की तरह कि कोई भी आपको निकाल देगा, कोई मालिक है। गवर्नमेंट जॉब में आपकी स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योर है, आपको खतरा नहीं है कोई, आपकी जॉब से कोई आपको निकाल सकता है। पेंशन फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन स्कीम होती है तो आपको पेंशन मिलती है, और एक आपको अलाउंसेस मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, और जो स्टार्टिंग सैलरीज होती है गवर्नमेंट की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। डिपेंड करता है किस पोजीशन, किस जॉब प्रोफाइल की हम बात करें, पर मतलब जनरल, एकदम जनरल बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब कि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट का झुकाव, गवर्नमेंट की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा रहता है, और बहुत टाइम, बहुत अटेम्प्ट्स के बाद ये क्लियरली बनता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई आईपीएस आईएएस बनता है। गवर्नमेंट जॉब के नाम पे सबसे पहले यूपीएससी आता है, तो इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। बाकी तो जैसे एसएससी सीजीएल और ये कुछ कुछ फेमस जो है रीट्वीट जो आप सुनते रहते हैं आजकल। पैरेलली मैं बात करता हूं प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में ऐसा है कि आपको देखो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल मतलब आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि आपको आपको अगर इस में जॉब लग गई तो आपको कोई निकाल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको रखा जाता है। जो शुरुआत में सैलरी मिलती है वो कम मिलती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। शुरुआत ही बात कर रहा हूं मैं, बात की बात नहीं कर रहा, शुरुआत की बात है। बट हर जॉब, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये आप सभी को पता है। गवर्नमेंट जॉब जब आप करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, करते हैं, उसके लिए आपको एक ग्रेजुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम फाइट कर रहा है तो उसके एक क्राइटेरिया होता है कि आपको ये ग्रेजुएशन चाहिए, बीटेक बीई होना जरूरी है, सीएस होना जरूरी है, या फिर जो भी बीएड होना जरूरी है, जो भी एक क्राइटेरिया होता है वो होना जरूरी है। स्किल्स क्या आपके अंदर वो ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। प्राइवेट के अंदर क्या होता है, प्राइवेट जॉब के अंदर क्या होता है, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा महत्व रखती है। स्किल्स के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, प्रमोशंस, इंसेंटिव्स जो भी मिलते हैं आपको स्किल्स के बेसिस पे मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में, जहां हमें नॉर्मल हम सभी को पता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे घर वाले, या फिर मेरे खानदान की बात करूंगा, या मैं आप सभी के खानदान की बात करूंगा, जो भी मिडिल क्लास ये व्यक्ति देख रहा है, सभी के घर में कोई ना कोई व्यक्ति आपको ये जरूर बोलता होगा, क्या कर रहे हो आप, किस चीज की तैयारी करो। सीधा ये पूछते हैं कि आप किस चीज की तैयारी करो, वो पूछते ही नहीं है कि अभी आप कर क्या रहे हो, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी कोई गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी कर रहे होंगे, आईपीएस यूपीएससी या किसी की भी हम तैयारी कर रहे होंगे, या किसी रीट की तैयारी कर रहे होंगे, बट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। वो एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को अभी इस सिचुएशन में, इस जगह पे अभी भी गवर्नमेंट जॉब को बहुत ऊपर माना जाता है। बट अब मैं मेरे ओपिनियन पे आता हूं कि मेरा ओपिनियन क्या है। पहली बात तो ये है कि किसी भी, कोई भी जॉब हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट जॉब हो, और सिर्फ जॉब की बात नहीं है, कोई सा भी करियर हो, किसी भी फील्ड में करियर हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में करना क्या है, आपको किस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल हर चीज एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियोग्राफी करना पसंद है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊँ, प्राइवेट जॉब की तरफ जाऊँ, या मुझे मेरा पैशन फॉलो करना चाहिए। इट्स क्लियर आंसर कि मुझे मेरा पैशन फॉलो करना चाहिए। किसी भी करियर में, कोई भी करियर हो, अगर आप उस करियर को पसंद करते हैं ना, तो उस करियर में आप अपना बहुत ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, और अर्निंग की जहां तक बात है बहुत अच्छा कमा सकते हैं, और बहुत अच्छा करियर आप उस फील्ड में बना सकते हैं जिस फील्ड में आपका पैशन है। अब यहीं पे लोग बोलेंगे कि पैशन हम फॉलो कैसे करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनका कुछ ना कुछ पैशन जरूर होता है। वो बात अलग है कि कोई, जैसे मैं वीडियोग्राफी की बात कर रहा हूं, वीडियोग्राफी के लिए कुछ चीजें प्री रिक्वेस्ट साइट्स होती है, मुझे जरूरत होती है पहले ही, कैमरा मुझे चाहिए, या बहुत सारी फोन मुझे चाहिए अच्छा अगर मैं कर रहा हूं तो, या मुझे एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, या लैपटॉप चाहिए उसके लिए, हार्डवेयर चाहिए, तो इन चीजों में पैसा पहले लगाना पड़ता है। वो पैसा अगर
अगर मेरे पास है तो मैं थोड़ा इजी हो जाएगा, मेरे लिए पैशन फॉलो करना नहीं है तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। आप ये बातों को क्लियर रखिए कि मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, मेरे को यूपीएससी फाइट करना है, ये मेरे दिमाग में अगर क्लियर है तो मैं यूपीएससी फाइट मेरे मन से करूंगा। किसी के कहने पर या घर वालों के प्रेशर में अगर उन्होंने कहा है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए बट आपका मन ही नहीं है यूपीएससी में, मन ही नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हो सकता है कि आप मेहनत करके बन भी जाएंगे, हो सकता है कि आपको उसमें इतना मजा नहीं आएगा क्योंकि आपका पैशन कुछ और, आपका मन कहीं और लगता है, तो प्रेशर से कुछ नहीं होगा। लोगों की एक्सपेक्टेशंस फॉलो करने आप जिंदगी में नहीं आए हैं, है ना, एक्सपेक्टेशंस को फिलअप करने आप नहीं आए हैं, आप अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं यह आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कोई भी काम अच्छा लगता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई भी प्रकार का काम अच्छा लगता है आप वो काम कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीबॉडी। किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें मत करें। मुझे लगता है कि ज्यादातर माँ बाप आपको सपोर्ट ही करेंगे, आप जो करना चाहते हैं आप उन्हें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के पीछे मत पड़िए, आपको जो जीवन में करना है ना वो आपको खुद क्लियर होना चाहिए, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी कंपैरिजन की भी है, जिसपे मैंने पहले भी बात करी कि कंपैरिजन मत करिए किसी से भी। आप क्या कर सकते हैं, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का हुनर अलग है, ठीक है। मेरे अंदर जो हुनर है ना वो आप में नहीं हो सकता और आपके अंदर जो हुनर है वो मेरे अंदर नहीं हो सकता। आप जिंदगी को एंजॉय करने आए हैं, किसी के गुलाम बनने नहीं आए हैं। अगर मैं खिलाफ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं तो प्राइवेट जॉब के समर्थन में हूँ एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें किसी को मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे प्राइवेट जॉब्स में स्केलेबिलिटी ज्यादा लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाने के लिए भी प्राइवेट जॉब सबसे बेस्ट है, आपकी स्किल्स को सुधारने के लिए भी सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्किल्स के बेसिस पे ही आपको आगे ले जाया जाता है प्राइवेट जॉब में। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गवर्नमेंट जॉब में स्किल्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। और आपको भी पता है कि आने वाला जो समय है 2030 के बाद आपकी डिग्री को कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा, आपकी स्किल्स क्या है उस पे फोकस किया जाएगा और आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी या आपके काम को महत्व दिया जाएगा। तो बस मैं एक ही बात कहता हूँ कि अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करिए। मैंने मेरी स्किल्स से बहुत कुछ अचीव किया है और विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ऑफ एनीथिंग मैंने बहुत कुछ अचीव किया है और आने वाले समय में इसको बहुत ज्यादा महत्व लोगों द्वारा भी दिया जाएगा, बड़े बड़े लोगों द्वारा भी इस चीज को महत्व दिया जाएगा। अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। जो भी एग्जाम की फाइट करना आपको, अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे ये बनना है, नो डाउट आप वो बन जाएंगे अगर आपने ठान ली है तो। मुझे गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही नहीं है, ये मेरा क्लियर है। तो मैं किसी से भी पूछता हूँ, एक बार किसी ने मेरे से पूछा कि आप क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बोला किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो बोलते हैं कि क्यों यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए आपको। मैं कहा क्यों करनी चाहिए भाई यूपीएससी की तैयारी, मतलब मुझे यूपीएससी में जाना ही नहीं है तो मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों करूं। वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ ठीक है मेरी ग्रेजुएशन हो गई है तो मुझे तैयारी करनी चाहिए किसी चीज की और गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए। मेरा क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही नहीं है तो मैं उसकी तैयारी नहीं करूंगा। मुझे जिस चीज में जाना है, जिस तरफ बढ़ना है आगे, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, उस स्किल्स पे मैं काम कर रहा हूँ और आई होप कि मैं उसमें बहुत बेहतर कर पाऊंगा। मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप कर रहे हैं ना वो तरीके से कर पाएंगे। किसी के सामने ये मत सोचिए कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर रखिए कि आज मैं इसमें मेहनत कर रहा हूं, मैं ये चीज कर ही लूंगा, ये चीज अचीव मैं कर ही लूंगा। ज्यादा कंपेयर मैंने नहीं करा गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, इसमें मेरा एक मोटिवेशन छुपा था कि जो आप करना चाहते हैं ना वही आप करें, किसी के बहकावे में मत आए या किसी के कहने पे कुछ मत करें। आपका जो मन करता है, चाहे प्राइवेट जॉब करने का मन हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करने का मन हो, आपका मन है। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सिर्फ यहाँ दो पे नहीं रह जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आपकी सोच होनी चाहिए, वो यहाँ मत स्टक रह जाइए। कहीं तो आपका पैशन होगा, कुछ तो आपका पैशन होगा, कुछ तो आपको जिंदगी में करना होगा, कुछ तो आपको पसंद होगा। सबसे क्लियर रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, घर वालों से सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहिए। जो आपके मन में है वो बताइए कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, जो भी है क्लियर रहिए। बस अपना विजन क्लियर रखिए कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। ये सारी चीजें साइड में है, आप अपने स्किल्स को कैसे सुधार सकते हैं अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चले जाइए और आप बहुत कुछ बहुत तगड़ा ही अचीव कर जाएंगे, जो आपके खानदान किसी ने खानदान के आपकी सिटी में भी अचीव नहीं किया हो ऐसा कुछ अचीव कर जाएंगे अगर आप अपने पैशन पे ध्यान देंगे तो। पैशन 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 मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा कुछ कर जाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करी है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ, फिर भी जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने दिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उन लोगों को जरूर भेज दीजिएगा जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की तैयारी करो, प्राइवेट ये करो, जो भी ऐसे ऐसे करते हैं उनको जरूर भेजिएगा, उनको बताइएगा कि ये यहीं पर जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें हर चीज एक्सप्लोर
करनी है तो हम ये करेंगे, आपके कहने पे हम कुछ नहीं करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।